नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुराने टोल टैक्स के पास तेज रफ्तार सवारी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। बस गाजियाबाद से मसूरी की तरफ जा रही थी। बस में एक दर्जन सवारी मौजूद थी। स्थानीय लोगों ने बस में से सवारियों को निकाला। सवारियों को मामूली चोट आई है, कोई हताहत नहीं हुई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और क्रेन से बस को रास्ते से हटाया जा रहा है। वहीं सवारियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गरिमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं रास्ते को खाली कराने के लिए क्रेन की मदद से बस को रोड से हटा दिया गया है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। यहाँ पर कोई बस पलट गया, कौन सी बस है और कहाँ की बस है ये? चलने वाली गाड़ी कैसे पलट गई यहाँ पर? मेरे को खुद आना, कोई जानकारी नहीं है कैसे पलटी, कैसे नहीं, हम तो बाद में आए। कुछ सवारी वगैरह थी इसमें? कौन सवारी थे? 15-20 सवारी। चोट वगैरह लगी? हल्की फुल्की तो बस। कहाँ पर आएंगे? कहाँ की घटना है, कौन सी जगह पर हुई है? दास में ना हुई है घटना। ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये जो गाजियाबाद से लखनऊ जा रही थी। अच्छा, जितनी भी इसके अंदर सवारी थी किसी के चोट वगैरह? नहीं।